हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रायश एजू। सो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे स्कॉलरशिप एग्जाम स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम के, जो अगस्त 12, 2021 को जो स्कॉलरशिप की एग्जाम हुई थी, तो उसके आज हम फर्स्ट लैंग्वेज मतलब कौन सी इंग्लिश के आंसर्स देखेंगे और ये है सेट ए। तो स्टूडेंट, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप अपने अपने आंसर्स यहाँ पे चेक करें, फुल वीडियो देखें और एंड तक अपने अपने आंसर्स चेक करें। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को, और आई होप स्टूडेंट कि ये सभी आंसर्स आपके सही आए होंगे और आप सभी को ये पेपर बहुत इजी गया होगा। तो यहाँ पे है फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन वन, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, रीड द ऑटोबायोग्राफी एंड आंसर द क्वेश्चन सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। आई हैव बीन फ्लोइंग टूवर्ड्स द सी ऑफ एजेस थ्रू हिल्स and valleys. I earn love and good wishes of all whom I meet on my long way. When I was given this eternal flow, it will end in a mystery to me. This much I know, that I was given my birth to serve the earth with her animate or inanimate creations. My life is a dedicated one, meant to purify the filth of the earth. I wash and carry away the polluted articles. I give shelter to the fishes and aquatic animals. I give company to the innocent boatmen. So student, यहाँ पे आपको ये filth जो word है ये शायद आपके लिए नया होगा, और filth का जो मतलब है जिसे हम कहते हैं dirty. ओके, सो ये इस जो ऑटोबायोग्राफी के ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द लाइंस अबोव आर फ्रॉम एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ डैश। तो स्टूडेंट, ये जो लाइंस हमें दिए हैं ये किसके ऑटोबायोग्राफी है? सो ये है ऑप्शन नंबर 4, रिवर की ऑटोबायोग्राफी है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द सेंटेंसेस बिलो कैन नॉट बी एडेड टू दिस बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी। सो स्टूडेंट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ऐसा है जो इस ऑटोबायोग्राफी में नहीं आया है? ओके, सो वो है ऑप्शन नंबर 3, आई फ्लाई इन द स्काई अबोव द अर्थ। ओके, क्योंकि ये रिवर की ऑटोबायोग्राफी है, सो रिवर कैन नॉट बी फ्लाई। ओके, सो नेक्स्ट है होम डज द रिवर गिव कंपनी टू। रिवर किसको कंपनी देना चाहती है? सो रिवर जो है वो बोटमैन को कंपनी देना चाहती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि बोट जो होती है वो रिवर में होती है, सो इसीलिए रिवर कंपनी देना चाहती है बोटमैन को। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट कार्डिनल नंबर फॉर 33। ओके, सो स्टूडेंट, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर का वीडियो जो है वो मैंने हमारे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो अगर आपने वो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो कृपया हमारे चैनल पे जाके आप इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ कि जो कार्डिनल नंबर होते हैं वो नॉर्मल नंबर होते हैं, जैसे कि 3, 4, 2 इस तरह। ओके, और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं इन्हें हम कैसे कहते हैं कि थर्ड, ये हुआ आर डी जो है ये ऑर्डिनल नंबर है। ओके, फोर्थ, ये टी एच जो है जिसे हम फोर्थ कहते हैं, तो फोर्थ ये नंबर जो है वो ऑर्डिनल नंबर है। टू है यहाँ पे, टू को हम सेकेंड कहते हैं। ओके, सो ये हुआ कार्डिनल और ये है ऑर्डिनल। तो यहाँ पे हमें कार्डिनल नंबर पूछा है 33, सो नॉर्मल नंबर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 33। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपके? नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सफिक्स फॉर मैनेज। सो स्टूडेंट, सफिक्स मतलब क्या कि जो रूट वर्ड होता है, रूट मतलब जो ओरिजिनल वर्ड होता है, इसके पीछे अगर हम कुछ लेटर्स लगाते हैं और जो भी सेंसिबल वर्ड फॉर्म अप होता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। सो यहाँ पे मैनेज है, मैनेज के लिए कौन सा सफिक्स है यहाँ पे? सो वो है ऑप्शन नंबर 2, मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड गिवन ब्लेस। सो ब्लेस के अपोजिट यहाँ पे कौन सा आएगा स्टूडेंट? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, कर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द पेयर विच डज नॉट इंडिकेट रिलेटेड वर्ड्स। क्रिकेट बैट, आर्करी बो,
हॉकी बेल्स एंड बैडमिंटन रैकेट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 जो है वो हमें कह दिए हैं, जो खेल है उनसे रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो इनकी नामें यहाँ पे दी गई है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हॉकी एंड बेल्स ये मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि बेल्स जो होते हैं वो क्रिकेट में यूज होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है, दैट दिस पेयर डज नॉट मैच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स इन प्लेस ऑफ अ क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे हमें दिया है कि स्टडी, सो स्टडी से रिलेटेड हमें क्या क्या होता है, होमवर्क होता है, ओके, असाइनमेंट होती है, एक्टिविटीज होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और इससे क्या होता है स्टडी से रिलेटेड, ऑफिस वर्क होता है, नहीं, एडिटोरियल होता है, नहीं, मीटिंग विथ मैनेजर होती है, नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है, ऑफिशियल वर्क, मीटिंग और एडिटोरियल, ये सब आपके स्टडी के बाद आने वाले ये एक्टिविटीज है। ओके, सो नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल करेक्ट कलेक्टिव नाउन। सो यहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन चूज करना है, ही वेंट इन टू द फील्ड एंड सॉ अ डैश ऑफ कैटल। सो जब भी बहुत सारे कैटल हमें एक साथ दिखते हैं तो हमें उन्हें क्या, हम क्या कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है हर्ड, H-E-R-D, हर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रोड साइन डज नॉट मैच इट्स डिस्क्रिप्शन। ओके, सो पब्लिक टेलीफोन के लिए ये जो सिंबल है, ये साइन है, ये सही है। फर्स्ट एड पोस्ट के लिए ये भी सही है, पेट्रोल पंप के लिए ये भी सही है, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग के लिए हमें ये जो एरो दिखाया गया है ये गलत है, क्योंकि रेलवे लाइन के लिए कुछ इस तरह से हमें जो है साइन होते हैं। ओके, अगर आप रोड से ट्रेवल करते हैं तो इस तरह के साइन आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट। सो यहाँ पे ये कौन सा साइन है जो मैच नहीं कर रहा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3, रेलवे क्रॉसिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 11-13, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द यमुना अबाउट 6 miles अवे फ्रॉम द सिटी ऑफ आगरा। It is one of the most famous and beautiful buildings in the world. Its beauty attracts thousands of travelers to our country. They come every year from all parts of the world to visit Agra and see the Taj. Under the clear cloudless sky, in the light of the full moon, the Taj has a beauty that no one can forget, and the still water of the pool before it reflects the buildings and adds to its beauty. Emperor Shahjahan, the grandson of Akbar, built the Taj. He built it in the loving memory of his queen Mumtaz Mahal, whom he loved much. The building stands on a large quadrangle platform. The quadrangle is 964 feet long and 329 feet wide. So student, ये जो paragraph है ये बहुत ही हमें अच्छा दिया हुआ है। So इस paragraph के ऊपर हमें आधारित कुछ question पूछे गए हैं कि the Taj Mahal was built by, ताजमहल किसने बिल्ड किया था, तो वो थे शाहजहां। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन, ताजमहल किसके ऊपर खड़ा है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2, क्वाड्रेंगल प्लेटफॉर्म। ये देखो यहाँ पे हमने सीखा है कि बिल्डिंग स्टैंड्स ऑन अ लार्ज क्वाड्रेंगल प्लेटफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे शाहजहां वॉज द, शाहजहां कौन थे, तो वो थे ग्रैंडसन ऑफ अकबर, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी। इसमें कितने प्रोनाउंस है स्टूडेंट, तो इसमें है ऑप्शन नंबर 4, 4 प्रोनाउंस है, तो वो कौन से है, एक तो है आई, ओके, सेकेंड वन इज देम, थर्ड वन इज दे विल, एंड द फोर्थ वन इज मी।
ओके, सो ये है प्रोनाउंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. दे आर मॉन्स्टरस बीस्ट डैश बॉडीज लाइक बियर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स. सो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, तो वो है ऑप्शन नंबर टू विथ. दे आर मॉन्स्टरस बीस्ट विथ बॉडीज लाइक बियर्स एंड हेड्स लाइक टाइगर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट टू फिल द ब्लैंक. रोज इज वन ऑफ द डैश फ्लावर्स इन द गार्डन. सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर टू, मोस्ट ब्यूटिफुल. ओके, रोज इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. नेक्स्ट है, व्हाट पंक्चुएशन मार्क विल यू पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बिलो. दे शॉवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस डिडंट दे. तो यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया है. ओके, दे शॉवर्ड एरोज ऑन द सोल्जर्स ऑफ एथेंस डिडंट दे, तो यहां पे होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्वेश्चन मार्क. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ कंपाउंड वर्ड, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस. इनमें से कौन सा कंपाउंड वर्ड नहीं है, सो आप देख सकते हैं स्पून, एयरपोर्ट, डोर स्टेप, बर्थडे. ओके, सो एयर प्लस पोर्ट इज इक्वल टू एयरपोर्ट, डोर प्लस स्टेप इज इक्वल टू डोर स्टेप, बर्थ प्लस डे इज इक्वल टू बर्थडे. लेकिन स्पून के लिए कुछ भी नहीं है, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन स्पून, ये जो क्या है, कंपाउंड वर्ड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20. रीड द लेटर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो सिलेक्टिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स. डिवाइन विला चर्च रोड मुंबई 50. Dear Teresa, I hope this letter finds you in the best of health and spirits. You will be glad to know that my birthday falls on 19 Feb. I am going to celebrate my birthday at home. We shall have a music program. I have invited all my friends. I hope you will also come and join my birthday party. Convey my regards to uncle and auntie. XYZ. So, इस लेटर के ऊपर आधारित हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि what should be there below the sender's address. जो सेंडर्स का एड्रेस है वहां पे क्या होना चाहिए एडिशनल, तो वो है ऑप्शन नंबर थ्री, डेट. स्टूडेंट एक बात जरूर आप ध्यान में रखना कि कभी भी आप लेटर लिखेंगे तो लेटर के ऊपर डेट होना बहुत जरूरी है, सो डोंट फॉरगेट इट. ओके, नेक्स्ट है, व्हाट मस्ट बी रिटन इन ब्लैंक स्पेस अबाउट द XYZ. सो नीचे जो XYZ दिया है वहां पे एक ब्लैंक स्पेस हमें दिखाई दे रही है, ये देख सकते हैं आप. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टूडेंट, जब भी हम लेटर एंड करते हैं तो एक इस लेटर से एक तो पता चलता है कि ये जो लेटर है ये एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को भेजा है उसके बर्थडे पार्टी को इनवाइट करने के लिए. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर फोर, यूर्स लविंगली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22. रीड द पोएम वेल एंड आंसर द क्वेश्चंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन. स्लीप स्लीप माय ट्रेजर, द लॉन्ग डेज प्लेजर हैज रिटायर्ड द बर्ड्स टू देयर नेस्ट दे क्रिप. द गार्डन स्टिल इज अलाइट विद लिलीज बट ऑल द डेजीज आर फास्ट अस्लीप. स्लीप स्लीप माय डार्लिंग, डाउन वेक्स द स्टारलिंग. द स्पैरो स्टीर्स व्हेन ही सीज डे ब्रेक बट ऑल द meadow is wrapped in the shadow and you must sleep till the daisies wake. So इस poem के ऊपर आधारित हमें कुछ questions पूछे गए हैं. Who is the speaker in the poem? So ये जो poem है ये एक mother बोल रही है. So यहाँ पे option number 2 जो है वो सही जवाब है. Okay? Next question है, what time is being described in the poem? So poem में कौन सा time दिखाई दे रहा है, तो वो है option number 3, night. क्योंकि मदर जो है वो बोल रही है कि स्लीप स्लीप. ओके, सो इसीलिए ये नाइट का टाइम है. नेक्स्ट है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द गिवन सेंटेंस. द टाइगर इज अ वाइल्ड एनिमल. सो यहां पे कितने आर्टिकल है स्टूडेंट, तो वो है ऑप्शन नंबर 4, वो है 2. और कौन से हैं, तो वो है द एंड ए.
ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइंड पार्ट एज आंसर मैरी वेंट टू अमेरिका. हमें क्या पूछा गया है कि जो अंडरलाइन पार्ट है वो एज अ आंसर समझ के हमें WH क्वेश्चन यहाँ पे फॉर्म अप करना है. तो वो कौन सा होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 1, वेयर डिड मैरी गो. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस. सो यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है कि योगा के 23% है, स्टडिंग 27%, प्लेइंग गेम्स 40% एंड स्विमिंग जो है वो 10% है. सो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक स्विमिंग. और स्विमिंग का जो पार्ट है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि स्विमिंग कितने बच्चों को पसंद है, तो वो है 10%. So, यहां पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है. तो देखा स्टूडेंट अपने कि ये 25 क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं. सो आई होप कि ये सभी आंसर्स आपके भी सही आए होंगे. और अगर आपको अभी तक ऐसे लग रहा है कि एक कुछ नॉलेज पर्पस के लिए आपको वीडियो देखने चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे जरूर विजिट करें और जो भी हमारे वीडियोज हैं वो जरूर देखें. सो स्टूडेंट आई होप आपको जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ स्कॉलरशिप. सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.